खुजराहो में वीडी शर्मा के सामने 13 प्रत्याशी मैदान में, एमपी में दूसरे चरण की 7 सीटों पर 87 कैंडिडेट। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खुजराहो लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद इस सीट पर वीडी समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है। सोमवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का आखिरी समय था। इस दौरान 6 नामांकन वापस लिए गए। रीवा और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर किसी कैंडिडेट ने नाम वापस नहीं लिया है। इससे पहले स्क्रूटनी के दौरान 5 नामांकन रिजेक्ट किए जा चुके हैं। अब दूसरे चरण की 7 सीट रीवा, सतना, होशंगाबाद, टीकमगढ़, बैतूल, खजुराहो और दमोह पर कुल 87 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी सतना लोकसभा सीट पर हैं। इसके बाद 14-14 कैंडिडेट खजुराहो और रीवा लोकसभा सीट पर हैं। वहीं दमोह में 13, होशंगाबाद में 12, टीकमगढ़ में 7, बैतूल में 8 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। इन सीट पर वापस हुए नामांकन। अब तक नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवारों में जिनका नाम चुनाव आयोग में सार्वजनिक किया है, उसमें दमोह से राम भजन बंसल निर्दलीय, अमित दुबे रामजी निर्दलीय, बैतूल से केशवराव उइके निर्दलीय, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार निर्दलीय और सतना से राघवेंद्र पटेल निर्दलीय के नाम शामिल हैं। स्क्रूटनी के बाद 16 नामांकन हुए थे खारे। दूसरे चरण के लिए 28 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 4 अप्रैल तक चली। इसके बाद 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। तब 16 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हुए थे। इसके बाद जो स्थिति बनी थी उसके अनुसार टीकमगढ़ में 8 प्रत्याशी, दमोह में 16, खजुराहो में 14, सतना में 20, रीवा में 14, होशंगाबाद में 12 और बैतूल में 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए। स्क्रूटनी में टीकमगढ़ में 2, दमोह में 2, खजुराहो में 5, सतना में 2 और रीवा में 5 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट किए गए थे। 93 नामांकन पत्र सही पाए गए थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।